भैया वैसे शिक्षा अधिकारी ने निकाला अनोखा आदेश, सभी बीएसओ को ऐसा निकालना चाहिए। कभी आप सुने हैं कि बीआरसी पे बैठे किसी का आदेश आ जाए, हुक्म आ जाए कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारा स्कूल चेक करवा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और फिर वहाँ बैठा आदमी स्कूल चेक करवा देता है, खंड शिक्षा अधिकारी पहुँच जाते हैं। इसी से संबंध में एक आदेश निकाला है बीएसए सर ने, वहाँ के जहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, तो स्पष्ट रूप से कह दिया है। जैसे होता नहीं है कि जितना रुबाब मंत्री जी नहीं दिखाते उससे ज़्यादा चमचे दिखाते, उसी तरह जितना रुबाब अधिकारी नहीं दिखाता उससे ज़्यादा जो आसपास अधिकारी के करीबी बन जाते हैं वो दिखाते हैं। इसी संबंध में एक आदेश निकाला है, बहुत अच्छा आदेश है दोस्तों। कभी कभी कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो मतलब अच्छे लगते हैं कि हाँ ऐसे आदेश होने चाहिए, वैसा ये आदेश भी है। तो हुआ क्या है, कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शिकायत हुई, IGRS पे हुई, और शिकायत के संदर्भ लिखा हुआ है और समस्या का समाधान क्या हुआ, तो समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए बीएसए सर ने वहाँ के आदेश किया है। तो क्या आदेश है ये देखिए, ये देखिए लिखा, विषय के सूच क्या है, शिकायतकर्ता श्री संजय चतुर्वेदी पुत्र गणेश प्रसाद चतुर्वेदी कस्बा तहसील मिश्रिक जनपद सीतापुर IGRS पोर्टल के माध्यम से प्रश्नगत शिकायत संख्या दर्ज कराते हुए यह शिकायत की गई कि खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर कार्यरत कार्यालय सहायक के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अथवा लेखाकार आदि को अपने साथ विद्यालय में निरीक्षण में लेकर आते हैं, जिनके द्वारा शिक्षकों का दबाव बनाकर उनका शोषण किया जाता है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को अधो हस्ताक्षरी स्तर से निर्देशित किया जाए कि यह वह विद्यालय के निरीक्षण में अपने साथ ब्लॉक संसाधन केंद्र में कार्यरत कार्यालय के सहायक के रूप में कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व लेखाकार आदि को लेकर ना चले, ताकि शिक्षकों से धन वसूली करके शोषण उनके द्वारा न किया जाए। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत कराना है कि इससे पूर्व भी कतिपय विकासखंडों से शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार की शिकायत की जा रही थी, इसके फलस्वरूप खंड शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठकों में उक्त तथ्य से संज्ञानित कराते हुए आपको तदनुसार मौखिक रूप से निर्देशित भी किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है, आप उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए विद्यालयों के निरीक्षण में अपने साथ किसी भी व्यक्ति के साथ लेकर ना चलें, ताकि अन्यथा की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आती है तो जिसके फलस्वरूप अन्यथा की स्थिति में उत्पन्न होती है, तो संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को होगा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन। तो ये तो बात ऐसे होगी, और कई मामले मेरे भी सामने आते हैं, लोग कहते हैं सर इसके बारे में कुछ वीडियो नहीं बनाते, तो ऐसा कभी होता है कि कभी कभी होता है सूचना मांगने के लिए वहाँ जो बैठे हैं भाई साहब लोग, ठीक है, कार्यालय सहायक या फिर जो वहाँ बाबू टाइप का काम करते हैं, वो लोग बहुत धमकाते रहते हैं शिक्षकों को, इवन महिला शिक्षकों के साथ भी गंदे तरीके से बात करते हैं, तो वो अपने आप को बीओ से भी ऊपर समझने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, तो यह आदेश काफ़ी अच्छा है मुझे लगा, क्योंकि बीओ इतना नहीं करता है मतलब बाकी लोग अपने आप को बीओ से ऊपर समझने लगते हैं और बहुत गलत भाषा में भी बोलने लगते हैं, एटीट्यूड बहुत आ जाता है। तो यही कहूँगा भैया, इंसान है, बीओ आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप एक इंसान बनिए। हम जानते हैं कि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वर्कलोड ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि भाषा वगैरह गड़बड़ हो जाए। खैर चलिए, ये तो चलता रहेगा, राजकाज कहते हैं इसको। चलिए, आदेश अच्छा है, हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ऐसे आदेश और भी आने चाहिए कि जो कार्यालय सहायक को भी जिम्मेदारी सही तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक जब भी BRC पहुँचता है फिर कैसे व्यवहार बहुत ही गंदा रहता है उनका, शायद उन्हें जानकारी नहीं है क्या है जो भी है, व्यवहार तो आदमी का अच्छा होना ही चाहिए।